हेलो सर, आई लव यू। एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ। बाप, आपसे क्या शर्माना, आप तो मेरे अपने हैं ना। पागल लड़की, मैं हमारी जवानी केहू आंडू पांडू खातिर नहीं खे बनल। सिर्फ पवन सिंह पे लूटी, सिर्फ पवन सिंह पे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। इधर उधर मिलके काम चल ही रहा था ना, लेकिन इस बार कुछ और करना है। क्या करना है, मुझे हक करके सोना है ना, कुछ और। टपा टप टपा टप टपा टप। सांप सीढ़ी खेलनी है। सांप तो होगा, लेकिन सीढ़ी की जगह बिल। बड़ा हरामी हो बेटा। बेबी, मैं ना समझ नहीं रही। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा तो नहीं है ना। ओ, तो अब तुम मुझे ये सुना रहे हो कि अगर उनके लिए तुमने पे किया है तो मैं आते सिर्फ कपड़े उतार दूं? आप दो ना, आप दो ना। मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं कि मेरी भी सील टूटेगी। ये भी मान जाओ प्लीज, ऐसे मत करो ना। नहीं तो बस नहीं। अच्छा चलो दिखा दो। मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं कुछ करूंगा नहीं, बस देखूंगा। पहले वाले ने भी ना यही बोल कर ली थी। इतने बोले हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि सुई में धागा कैसे डालना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उनके भैया ने उनको सब समझा दिया होगा। सुई में धागा, हम कुछ समझे नहीं दीदी। पगली, सुहाग रात के बारे में बोल रहे हैं, आपके डायरेक्ट बोल दे। बस एक बात कहे भाभी। हाँ, मुझे पता है तुम क्या कहोगी। जब हमारी सुहागरात थी तो उस समय मैं भी तुम्हारी तरह बहुत नादान थी। मुझे लग रहा था कि क्या होगा, टपा टप टपा टप क्या होगा, लेकिन जैसे ही टिंकू के भाई आए और अचानक ही सब हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह शर्मा रही थी। अच्छा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। लेकिन अब टिंकू के भैया खुद परेशान हो जाते, लेकिन मैं नहीं थकती। आपको कैसे पता कि सुहागरात पे क्या करते? अब इसमें पता क्या करना है, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। क्या होता है भाभी, हमें भी बताइए ना, हमें तो कुछ भी नहीं पता सुहागरात पे क्या किया जाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है टिंकू भैया करेंगे, तुम तो बस अपनी टांगे खोल लेना। कैसे रहा कॉलेज? अच्छा था, आज सेक्स एजुकेशन को लेकर लेक्चर हुआ। ओह माय गॉड, वाओ। ओके, इंटरेस्टिंग। तो क्या सीखा मेरी बेटी ने सेक्स एजुकेशन के लेक्चर में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही कि सेक्स करना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सोच रही हूँ मैं भी करके देखूँ। क्या सोच है रे तेरी? अच्छा, मुझे तो लगा था अब तक तुम सेक्स कर चुकी होगी। नहीं नहीं ना, पहले पता होता कि सेक्स करने से कैलोरीज बर्न होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन से बचाता है और ऊपर से माइंड भी फ्रेश रहता है, तो पहले ही कर चुकी होती। शाबाश बेटा। कोई नहीं, अब कर लूंगी। वैसे भी प्रोफेसर मैडम ने कहा है प्रैक्टिकल करने को। बड़ा हरामी हो बेटा। और मिस नित्या, आप ये प्रैक्टिकल किस पे करने वाली हैं? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लड़कों की कमी थोड़ी ना है इस शहर में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। वैसे जिसके साथ भी करना होगा ना,
मुझे एक बार उसे मिलवा जरूर देना। प्यारी समझ गई। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।